अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, ईद मज़े में गुजारी होगी। और आज मैं आप लोगों को अपनी ईद वाले दिन की तैयारी बता रही हूँ कि मैंने अपनी चांद रात को ही ये तैयारियाँ शुरू कर दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बहुत जल्दी मियाँ जो है हमारे नमाज़ पढ़ लेते हैं, 6:30 बजे नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, तो हम रात भर अपना यही खाने पीने की तैयारी करते हैं। तो बस मैंने बनाया है क्लब सैंडविच, जिसके लिए मैंने चिकन के रेशे करके उसमें मेयोनीज़ और ब्लैक पेपर डाला था, एक तरफ कोस्लो बनाया, अंडे में हरी मिर्चें और हरा धनिया नमक डाल के रखा, और ये ब्रेड के स्लाइस रखे हैं। और मैंने पहले जो है तवे पे अंडे को डाल के और फिर उसको ब्रेड ऊपर डाल के उस तरह से मैंने बनाया है, टिकिया बना के नहीं रखी, और उसके ऊपर मैं कोस्लो डालूँगी। और ये देखिए, इस तरह से मैंने ये तवे पे अंडा डाल के और फिर इस पर ब्रेड के पीस रखे, इस तरह से मैंने बनाया था, थोड़ा सा नया स्टाइल का बनाया मैंने। और इसमें मैंने कोस्लो डाल दिए, अब कोस्लो के बाद हमने अब दोबारा से ब्रेड का स्लाइस रखा है, और ब्रेड का स्लाइस रखने के बाद अब इसके ऊपर मैं जो मेरा चिकन का बैटर था, चिकन और मेयोनीज़ और ब्लैक पेपर सॉल्ट वगैरह ये सब डाल के मैंने मैंने इसको अपनी इसकी लेयर तैयार करी, और फिर इसे सेंटर से कट करके इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया। और दूसरी तरफ मैंने बनाए फिर शाही टुकड़े। आज मैंने टोटल जो है ईद पे डबल रोटी के ही आइटम बनाए हैं, दोनों कुछ डिफरेंट किया है। शाही टुकड़े बनाए हैं मैंने बहुत टाइम बाद, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। मैंने जो है स्लाइस को बीच में से कट करके अच्छा सा डार्क ब्राउन फ्राई कर लिया था, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने जो है आप लोगों को दिखाया नहीं। मैंने उसको अच्छा सा फ्राई करने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने दूसरी तरफ चूल्हे पर इसका शीरा तैयार किया, और शीरा कम से कम आधा किलो चीनी का शीरा तैयार किया मैंने थोड़े से पानी में, इसको पहले ट्रे में असम्बल किया, और इसके बाद मैंने शीरा बना के वो उसमें ब्रेड को पहले ब्रेड के ऊपर डाल के उसको ब्रेड को खूब अच्छा सा मैंने इनको मुलायम करने के लिए, क्योंकि ब्रेड जो है बहुत ज़्यादा सक करती है दूध हो या चीनी हो, तो मैंने इसलिए पहले शीरा बना के इसको अच्छा सा डबल रोटियों को पिला दिया है ताकि ये अच्छे से ये पी लें। फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ इसका दूध तैयार करेंगे, जिसमें हम चीनी डालेंगे, क्योंकि चीनी हम थोड़ी सी रखेंगे क्योंकि हमने शीरा अच्छा सा बना लिया है। तो बस 1 लीटर दूध लिया है मैंने ऑल पर्स का, उसमें मैंने इलायची और थोड़ी सी चीनी और ये मेवा लिया है, मेवा डाल के मैंने इसको इतना मैं पकाऊंगी कि मैं इसकी क्वांटिटी को हाफ़ से भी कम कर लूँगी। जैसे अगर ये 1 किलो है तो मैं इसको 1 पाव के करीब करूँगी पका के, ताकि खूब अच्छा से ये पके और रबड़ी स्टाइल जैसा ये दूध तैयार हो जाए हमारा गाढ़ा सा। और दूसरी तरफ मेरा दिल नहीं मान रहा था, मैंने थोड़ा सा ये शीर बनाई है, बस बहुत क्विक बनाई है, चूल्हे पे मैंने अपनी सिवैयाँ भुनी और उसमें शीरा तैयार करके और दूध डाल के और इलायची और मेवा डाल के बस मैंने इसको क्विक सा तैयार कर लिया है। और दूसरी तरफ हमारा दूध बहुत अच्छा सा बबल हो रहा है, बहुत अच्छा सा बॉयल हो रहा है, और बस इसमें मैंने थोड़ा सा इसमें भी थोड़ी सी मेवा स्प्रिंकल कर दी है मैंने। अब बस मेरा दूध की हाफ़ से हाफ़ क्वान्टिटी होने का टाइम आ जाए, बस ये हो जाए, और बस मैं इसको डाल के फ्रिज में रख दूँ ठंडा होने के लिए। ये ठंडे होके बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अच्छा, मैंने इसमें बहुत ही ज़रा सा पिंच से भी कम मैंने इसमें फूड कलर डाला है ऑरेंज, और बस ये दूध डाल के अब हमारा ये रेडी हो गया है, और बस इसे हम सुबह इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज़।